बाय एंड ऑफ दिस ईयर और अर्ली नेक्स्ट ईयर हो सकता है, अगर सब कुछ हमारे प्लान के अनुसार चला तो एक वैक्सीन जो है आने की संभावना हो सकती है। अपना भारत अपना खुद का कोविड वैक्सीन लॉन्च कर सकता है और कब तक लोगों को राहत मिल सकती है? वैक्सीन लॉन्च करना डिपेंड करता है कि ओवरऑल कैसा ट्रायल जा रहा है, क्या ट्रायल जो है, जो वैक्सीन हम अभी ट्रायल कर रहे हैं वो बहुत ही सेफ है। अगर वो सेफ्टी प्रोफाइल पे कंप्लीट उतरता है उसके बाद नेक्स्ट आता है कि क्या इफेक्टिव है, इफेक्टिव है तो कितने दिनों तक इफेक्टिव है। अगर ये सब ये है, क्योंकि मिनिमम 6 मंथ तो हमें देखना ही पड़ेगा उसका इफेक्टिवनेस भी, सो अगर सब कुछ ये हम देखते हैं तो मिनिमम अगर ड्यूरेशन है तो 6 महीने के आसपास, तो बाय एंड ऑफ दिस ईयर और अर्ली नेक्स्ट ईयर हो सकता है, अगर सब कुछ हमारे प्लान के अनुसार चला तो एक वैक्सीन जो है आने की संभावना हो सकती है कमिंग दिसंबर और बाय अर्ली नेक्स्ट ईयर 2021। सर, जब वैक्सीन लगती है तो कई तरह की तैयारी रखना पड़ता है, जो सब्जेक्ट्स होंगे आपके, जो वॉलंटियर्स होंगे, तो उनको किस तरह से फॉलोअप के लिए आप रखेंगे या फिर किस किस आप एरियाज के लेंगे, जैसे दिल्ली के लेंगे या फिर दिल्ली के बाहर के लेंगे? हाँ, इस वैक्सीन को चूंकि हमें 6 महीने तक फॉलोअप करना है, इसलिए जो है सारे हमारे पार्टिसिपेंट्स हम दिल्ली या NCR से ले रहे हैं। हमने उसमें रिक्वेस्ट भी की हुई है कि दिल्ली NCR के लोग ही रजिस्टर करें, ऑल्दो काफी बाहर के लोगों ने भी, इंडिया के कई कॉर्नर से लोगों ने रजिस्टर किया हुआ है, साउथ इंडिया से भी किया हुआ है, हर जगह से किया हुआ है, सो वो तो ऐसे ही एक्सक्लूड हो जाएंगे। सो हमने यही दिल्ली NCR के ही लोगों को इसमें रजिस्टर करना है, और जो 18 से जैसे मैंने बताया कि 55 साल के बीच के लोग हैं उन्हीं को, सो हेल्दी वॉलंटियर बिटवीन 18 टू 55 ईयर्स ऑफ एज फ्रॉम दिल्ली एंड NCR।